Hello everyone, welcome to my channel Gist of My Life. I'm so sorry, मैं पूरा दिन में कोई वीडियो नहीं बना पाई, ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग के ऑफिस में मैं कोई वीडियो नहीं कर सकती, प्रोहिबिटेड है. तो और उसके बाद ऑफिस से आने के बाद घर का काम रहता है, तो वो सब करते करते सब कुछ करके अभी जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ. पर हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्लॉगिंग, मतलब अगर डेली लाइफ का कोई ब्लॉगिंग शेयर करना है तो हैंडलिंग करना कैमरा के साथ और शेयर करना, उसमें थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिए. आई विल बी हैबिचुएटेड. हाँ, बेसिकली मैं अपने लाइफ का दो पार्ट आप लोग के साथ शेयर करूँगी. वन इज़ माई पर्सनल लाइफ, वन इज़ माई प्रोफेशनल लाइफ. दोनों चीज़ का अलग अलग वीडियोज़ मैं बनाऊँगी. पर्सनल लाइफ में हाँ, नॉर्मली मैं ब्लॉगिंग्स बहुत देखती थी, मतलब पैंडेमिक में और कुछ हो ना हो ब्लॉगिंग बहुत सारा देख लिया मैंने, दुनिया भर का ब्लॉगिंग देख लिया है. तो मैंने देखा है पर्सनल डेली लाइफ ब्लॉगिंग्स में जो होता है कि मतलब सुबह से उठ के हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली शेयर करते हैं. बट मैं कितना कर पाऊँगी आई एम नॉट श्योर. बट हाँ, डेफिनेटली मैं अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस, जैसे मैं अभी तो कुछ करके मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती क्योंकि अभी सब लोग खा के सो जा रहा है, तो सोने का टाइम है. तो बेसिकली अभी मैं आप लोगों को कुछ ज्ञान बांट सकती हूँ. ज्ञान तो नहीं बोलूँगी, हाँ मैंने जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैंने अपना लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. आई मीन ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कम सब कोई करता है, बट मुझे लगा कि ये चीज़ आगे आके बोलना चाहिए मुझे, इसलिए. तो उसके लिए मुझे थोड़ा अपना लाइफ स्टोरी थोड़ा एलेबोरेट करके बोलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मेरे साथ बियर कीजिए. मैं जब क्लास 10 में थी, मेरा 10th बोर्ड किससे पहले, मेरे पापा को अचानक एक मीटिंग में गए थे, वहीं पे हार्ट अटैक आ गया. एंड आई लॉस्ट हिम, आई वुड रादर से वी लॉस्ट हिम, मम्मी और मैं. तो उस टाइम से लेके अनटिल मैंने अपने माँ को नहीं खोया, मुझे लगा था कि मैंने अपने पापा को खोया, इस चीज़ का मुझे रियलाइजेशन था. पर ट्रस्ट मी, जब तक मम्मी मुझे छोड़ के नहीं गई, मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं गई, मुझे नहीं जनरली रियलाइज़ हुआ कि पेरेंट्स का नहीं होना या कोई एक पेरेंट का नहीं होना क्या होता है. क्योंकि आई एम वेरी लकी टू हैव अ फादर एंड मदर लाइक देम. क्योंकि पापा ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में फिनेंशियल स्ट्रक्चर बना के गए थे कि जो एकदम नहीं हो जाता है कि पापा चले गए तो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया फिनेंशियल, वो चीज़ कभी भी फेस नहीं हुआ मुझे पर्टिकुलरली. मम्मी को हुआ है कि नहीं, वो छुपाई कि नहीं, आई डोंट नो, बट नहीं हुआ मुझे. और क्या है, आफ्टर 12 जब मैं आई कोलकाता में हायर स्टडी करने के लिए, मेरे अंदर पता नहीं एक तो कीड़ा हमेशा से ही था, बार्डन नहीं बनना है. कभी मैं बार्डन थी भी नहीं अपने माँ के लिए, बट नहीं बनना है एक तो था. मतलब मुझे लगता था कि डिस्टेंस एजुकेशन करूँगी, जॉब करूँगी, मम्मी के ऊपर उतना बार्डन नहीं, और मैंने वो किया भी मम्मी के ऊपर. मम्मी ने कभी नहीं बोला कि मैं बियर नहीं कर सकती या तुम नहीं करो या कुछ, पर मुझे पता नहीं, एक तो लगता था कि पापा नहीं है, मम्मी कहाँ से ही क्या करेगी. तो मुझे हमेशा वो एक सेल्फ डिपेंडेंट वाला चीज़ खास करके फिनेंशियल वे में बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में था. ट्रस्ट मी, कलकत्ता में आने के बाद मैं कभी भी क्लबिंग नहीं गई. मतलब जो होता है ना, मतलब एकदम खुला रहने से जो आज़ादी मुझे था, वो उसका दुरुपयोग मैं बोलूँगी. हाँ, क्लबिंग जाना बुरी बात नहीं है, बट क्या होता है उस टीनेज में हम लोगों को पता नहीं रहता है कि कितना तक करना चाहिए कितना तक नहीं करना चाहिए.
तो उस चीज़ में मैं कभी गई ही नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। इनफैक्ट अभी भी मैं थोड़ा सा मतलब भीड़ भड़ाका से दूर रहती हूँ। आई डोंट लाइक, मतलब दुर्गा पूजा में भी ज़्यादा भीड़ भड़ाका में घूमना मुझे पसंद नहीं है। बाई नेचर ही मैं ऐसे हूँ, वही प्लस पॉइंट हो गया वैसे मुझे। तो वही बोली। तो उसके बाद पापा के जाने के बाद मम्मी जो भी थोड़ा एक्टिव थी पूरा ही घर में बैठ गई। अभी मुझे समझ में आता है कि उनको कितना अकेलापन, कितना वो खाया होगा। तब मुझे नहीं समझ में आता था, तब मुझे सही में नहीं समझ में आता था वो चीज़। पर मैंने अपना पूरा लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखा है, कोई भी सिचुएशन आए लाइफ में, कोई भी, उस सिचुएशन में कभी हार नहीं मानना है। और अकेली हूँ, लड़की हूँ, भाई बहन नहीं है, कोई हेल्प करने वाला है नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा काम कभी होगा नहीं कुछ। तुम अगर सही हो, तुम्हारा कोशिश अगर सही है, तुम्हारा काम बन ही जाएगा, पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब हम लोग सब भगवान पे विश्वास रखते हैं, तो हम लोग को ये ज़रूर पता है कि कोई ना कोई इनविजिबल पावर है, कि आप अगर दिल से कोशिश कर रहे हो तो आपका साथ देगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों ज़रूर होगा। तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, ये तो नहीं बोलूँगी, डीमोटिवेशन आ ही जाता है ज़िंदगी में। जब कोई काम करते 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 नहीं बनता है तब डीमोटिवेशन आ ही जाता है। पर डीमोटिवेशन को ना ज़्यादा देर नहीं रहना है, नहीं रहने देना है, मोटिवेट कर देना है अपने आप को, और अपने आप से बोलना है कि मैं दुनिया में आया हूँ या आई हूँ तो मुझसे क्यों नहीं होगा। मेरा आने के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा, भगवान ने अगर मुझे भेजा है ऐसे ही तो नहीं ना, खाओ पियो घूमो और एज हो जाए तो चले जाओ वापस। कुछ ना कुछ कारण होगा जिसके वजह से मुझे भेजा गया है, तो अपने बस में है तो वो कारण को अच्छा से कर दें क्या। हाँ, तो वही मैं हमेशा ही एक नेगेटिव खुशी सेटअप नेगेटिव सिचुएशंस में मैं ज़्यादा पड़ी हूँ, मतलब ज़्यादा ही गुजरी हूँ नेगेटिव सिचुएशन से, पर उसको कभी मैं हावी होने नहीं दी। ये मेरा, मैं बोलूँगी ये मैंने कभी हावी नहीं होने दी। हाँ, जैसे मम्मी जब गई उसके तुरंत बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव, मेरी बेटी है, शी इज़ माई प्रिंसेस, शी इज़ माई लाइफ लाइन एवरीथिंग, सॉरी। तो मैं बोलूँगी कि मम्मी जब गई उसके तुरंत बाद मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन, मतलब नेगेटिव थिंकिंग के मैं मम्मी के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, इसके वजह से शायद चली गई, ये सब ही मतलब नेगेटिव बहुत थॉट्स आने लगे। तब भी मैंने सोचा कि नहीं, अभी देखिए मेरे इन-लॉज बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, दे आर ऑलवेज विथ मी, मुझे पता है। बट क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है लाइफ में ना, हम लोग ही कोई कहीं पे एक बैरियर रख देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना फैमिली, अपना फैमिली मीन्स बचपन से जिन लोगों के साथ आप बड़े हुए हैं, या मम्मी पापा, या अपना अगर भाई बहन रहे तो। आई एम नॉट दैट लकी, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो अगर ऐसा रहे तो यू कैन शेयर विद देम इजीली। मतलब आपको लगता है कि वो लोग आपको जज नहीं करेंगे, तो और करते भी नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि बचपन से जानते हैं कि इसका नस नस से वाकिफ होते हैं तो नहीं करते। पर हाँ, जब आप ज़िंदगी में आपका नया नया आदमी लोग आते हैं तो वो लोग आपका उतना एक लिमिट तक ही आपको अपना पाएंगे, उसके बाद आ जाता है जजमेंट करना, मतलब आपको तोलना, आप किस कंपेयर करना। वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, वो चीज़ मुझे एकदम ही पसंद नहीं है। इनफैक्ट मुझे क्या, आई थिंक दुनिया में किसी को भी अपने आप को कंपेयर कराना अच्छा नहीं लगता है। तो गाइज वही वही मुझे लगा कि अगर मैं अभी अपना थॉट्स शेयर करने नहीं लगूँ तो नेगेटिव मैं मेरे दिमाग में, आई मीन बहुत ही ज़्यादा मैं
मतलब पूरा दिन रोते रोते या जो भी मेरे अंदर पॉजिटिविटी था सारा कुछ चला जा रहा था। कोई काम करने का मन नहीं करता था। अब काम करने के बात पे आपको एक बोलूँगी, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कोई भी एक चीज़ पे टिकने वाली नहीं है। मतलब अगर आप पूछेंगे कि आप क्या करते हैं तो वहाँ पे मेरा लंबा लिस्ट बन जाएगा। मैं कॉल सेंटर में काम कर चुकी हूँ, मैं बैंकिंग इंश्योरेंस में काम कर चुकी हूँ, मैं फिर आपका इवेंट्स में काम कर चुकी हूँ। इवेंट्स इज़ माई लाइफ टिल नाउ। मुझे इवेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इवेंट्स करना। मुझे लगता है कि वो ही मेरा जान, मतलब वहाँ पे मैं खुल के काम कर सकती हूँ। बिकॉज़ काम में टाइम पास करना वो मुझे पसंद नहीं है। काम मतलब काम, अच्छा मुझे कोई मेरे काम के लिए अप्रिशिएट करे उसके लिए तो मैं जान दे दूँ ऐसा। तो पर क्या होता है ना, जब आपका इच्छा के साथ आपको कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बिकॉज़ आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। मेरा एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका नाम है सताक्षी कुमार, मेरी 7 साल की बेटी। मैं इवेंट्स में जब भी बाहर जाती थी, मैंने बहुत सारी कंपनी के साथ इवेंट्स किया हुआ है, जिसमें से मिराज नेटवर्क के साथ मेरा पहला शुरू है और मास्टरमाइंड्स के साथ मेरा लास्ट है। स्वाति सेन गुप्ता, ही इज़ वंडरफुल पर्सन, तो आई एम ब्लेस्ड। मैं उनको दादा बुलाती हूँ, तो ही इज़ एक्चुअली लाइक दादा। तो पर क्या है ना, जब घर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा इसके बारे में चलता रहता था। मैं कहीं भी रहती थी, इवेंट्स में कुछ भी करती रहती थी, पर मेरा दिमाग घर में रहता था, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। और ये इतनी ज़्यादा बदमाश है ना, वो मेरे अलावा किसी के बात सुनती भी नहीं है। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ इस सब मामले में, क्योंकि किसी को तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अपने पापा को तो मानती ही नहीं है। पापा इज़ लाइक अ फ्रेंड। अभी देखिए कैसे हंस रही है। एक्चुअली ब्लॉगिंग के लिए भी इसने ही मुझे इनक्रेज किया कि मम्मा ब्लॉगिंग करो। वो खुद करती रहती है, क्या क्या वीडियोस बनाती रहती है। तो इतना दिन तक सही में मैंने उतना मतलब सोचा नहीं ब्लॉगिंग के बारे में, पर अब जब देख रही हूँ कि यार दिल का बात नहीं बोलूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एटलीस्ट कुछ ऐसा करती हूँ कि नए नए आदमियों से मुलाकात हो, सबसे अच्छा बातचीत हो, सब कुछ। तो वही बोलते बोलते रुक गई थी, दूसरा बात पे चली गई मेरी मम्मी। उसके बाद मैं कलकत्ता आई, आफ्टर 12 कलकत्ता आने के बाद मेरे हस्बैंड से मेरा मुलाकात हुआ। ही इज़ फ्रॉम बिहार, हिज नेम इज़ राहुल कुमार। तो समहाउ मुलाकात हुआ, फ्रेंडशिप हुई, बात बढ़ा, फिर शादी हुआ। तो एक चीज़ बोलूँगी कि अच्छा हुआ कि उनसे मुलाकात हुआ, बिकॉज़ जो शादी होने के कुछ दिन तक डेफिनेटली थोड़ा सा जाता है इंसान का। उसके बाद तो मम्मी आई। मम्मी को मैं बहुत प्रेशराइज़ की कि आ जाओ मेरे पास ही। वो आने के बाद मम्मी जब आई, तब तक मम्मी का ऑलरेडी किडनी डैमेज हो चुका था। बिकॉज़ जब मैं 7 साल की थी, तब से मैं देख रही हूँ, बिकॉज़ तब से थोड़ा समझ है, याद है मुझे, तब से मैं देख रही हूँ मम्मी को शुगर है, डायबिटीज़ की पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर है तब से। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब आज से 30 साल पहले का बात बोल रही हूँ, तो 30-32 साल से उनको हाई प्रेशर और डायबिटीज़ है। मीन्स कितना ज़्यादा उनका किडनी डैमेज हो गया होगा। मम्मी मेरे पास पिछले 6 साल से थी ना, 5-6 साल से थी, तो उससे पहले ही डैमेज हो चुका था। फिर भी मैंने अपोलो में ट्रीटमेंट कराया, रेगुलर चेकअप्स पे रखा, जितना मेरा बस का होया मैंने कोशिश की। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने भी बहुत किया सपोर्ट, उन्होंने भी किया देखभाल। तो पर वो ये होता है ना, जो किस्मत में लिखा रहता है, यू कैन नॉट, ये जो चार उंगली का जगह है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। चार उंगली का जगह में लिखा हुआ था,
कि मम्मी बहुत लास्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहती, बस इतना बोलूँगी कि अगर आपके साथ कोई नहीं है, भगवान तो डेफिनेटली है, पर आपके साथ आप खुद हो, इससे बड़ा कोई नहीं है आपके साथ। खुद से अगर आप प्यार करते हो, खुद के लिए अगर आप सोचोगे, तो आपको और कोई चाहिए ही नहीं दुनिया में। मतलब आपसे बेहतर, आपके लिए अच्छा और कोई नहीं सोच सकता। तो कभी भी खुद को कोई अकेला मत समझो, भगवान तो डेफिनेटली है, पर आप खुद के लिए हो। मैंने इतना हार्डशिप देखा है ना लाइफ में, बहुत तरीके से देखा है मैंने हार्डशिप लाइफ में, जो शायद मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाऊँगी, पर उसके बाद भी मैं आज हूँ, मतलब अपने फैमिली के साथ हूँ, अच्छे से हूँ, और मेरे इन-लॉज मेरे साथ हैं, तो ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। और उसके बाद मतलब आप अगर चाहोगे तो आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं आता तो मैं कैसे करूँ, मुझे वो नहीं आता है तो मैं कैसे करूँ। नहीं आता तो कौन सा, हम लोग जब पैदा हुए तब कौन सा कुछ आता था। धीरे धीरे चलना सीखा, धीरे धीरे खाना सीखा, धीरे धीरे लिखना सीखा, धीरे धीरे बोलना सीखा। कोई भी चीज़ इंसान पहली बार ही सीखता है, और सीखने का तो कोई है नहीं ना कि आपको इतना एज तक ही सीखना है, कभी भी कुछ भी सीख सकते हो। तो यही थॉट से मैं चलती हूँ हमेशा, और जहाँ भी काम की हूँ या जो भी की हूँ, तो ख़राब कुछ तो अभी तक फीडबैक मिला नहीं है। तो यही बोलूँगी, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। अगर कोई नहीं है तो अभी मैं हूँ, मुझसे शेयर कीजिए बात, और अपने आप को हमेशा बूस्टअप करते रहिए, क्योंकि आपसे नहीं होगा, ऐसा कोई चीज़ दुनिया में बना ही नहीं है, आपसे सब होगा। और हमेशा स्माइल करते रहना है। मम्मी के बाद तो मैं मतलब हमेशा ही रो रही थी, मुझे मम्मी का याद आ रहा है हमेशा, हर टाइम। उसके बाद मैं सोची, मम्मी ना मेरी लास्ट में चैनल हुआ था डायलिसिस, मतलब ले नहीं पा रही थी, फिर भी अगर मैं कुछ बोल देती थी तो हंस देती थी। तो स्माइल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मम्मी का उस स्माइल से ना, मम्मी का वो जो तकलीफ़ से मुझे टेंशन होता था या दुख होता था, वो थोड़ा सा कम हो जाता था। शी वॉज़ वेरी लाइवली पर्सन, बहुत फ्रेंडली थी, मेरी लाइफ की पहली और आखिरी बेस्ट फ्रेंड, जो मुझे छोड़ के अभी चली गई, पर मुझे पता है वो ऊपर से देख रही है। जो मैं इतना दिन दुखी थी, उनको बहुत दुख हो रहा होगा, पर अभी जब मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, देखेंगे कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, अपना फैमिली दूसरा तरीके से बनाने का कोशिश कर रही हूँ, जो लोग सबके साथ मैं अपना सब कुछ शेयर कर रही हूँ, शी विल बी वेरी हैप्पी। तो वही बोलूँगी, अभी मैं कल से कोशिश करूँगी आप लोगों से सुबह से अपना रूटीन शेयर करने के लिए। और हाँ, और एक बात, मैंने बोला था आप लोग को रियल एस्टेट के बारे में, उस चीज़ को लेके मैं अलग से वीडियो बना के, आप ब्लॉगिंग बना के आप लोगों से शेयर करूँगी। कोलकाता का हर एक प्रोजेक्ट का डिटेल मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ हर एक वीडियो में, मैं कैसे रियल एस्टेट में आई, रियल एस्टेट को लेके मेरा थॉट्स क्या है, कैसे मुझे सक्सेस मिला, सब कुछ लेके मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। वो अलग वीडियो बनेगा, मेरे घर का अलग वीडियो बनेगा, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन रहे, कुछ भी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आई होप मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, मैं वो कोविड वाला डायलॉग नहीं मारने वाली, क्योंकि 2020 से कोविड कोविड सुन सुन के 2020 से सबका दिमाग ख़राब हो गया है। हाँ, बस यही बोलूँगी, अपने आप को, अपने फैमिली को जितना हो सके सेफ रखने का कोशिश कीजिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।